for one, nicely picked in four the gap for Humayun Faraz. Reverse sweep, lagane mein kamyab hue Humayun. That's gone all the way. This is a six. Wonderful batting by Humayun Faraz. Humayun Faraz is off the mark with the boundary. अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब बाज़ का ये फील होता है कि इमरान भाई जो हैं वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए, आपको नहीं लगता इमरान फरद को अंडर यूटिलाइज किया गया? वो जितना भी खेला प्रेशर तो था उस पर, जब वो देखें परफॉर्मेंस करके खेला, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो ट्रिपल सेंचुरियाँ की हुई हैं वो उसी ने की हुई हैं, हनीफ मोहम्मद साहब ने टेस्ट क्रिकेट में दो ट्रिपल सेंचुरी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दो उसी किए, हनीफ मोहम्मद साहब का फ़ोन आया जब उसने सेकंड ट्रिपल सेंचुरी की ना, तो उनका फ़ोन आया उसको मुबारकबाद देने के लिए कि तुमने, बेशक उन्होंने टेस्ट में और एक फर्स्ट क्लास में की थी, इसने दोनों फर्स्ट क्लास में की हैं और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। वो जब भी पाकिस्तान खेला 17-18 हज़ार रन हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान खेला है, वो थोड़ा सा उसको कंट्रोवर्शियल हुआ इस लिहाज से उसके जो एक्स ससुर थे मोहम्मद अलियास, उनकी वजह से अलेज्ड करके ये इसलिए सिलेक्ट हो रहे हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड सॉरी फॉर कटिंग शॉर्ट, आप चूंकि क्रिकेट को बड़ा बारीक में से ज्यादा समझते हैं, आप ज्यादा प्रोफेशनल खेले में, मैं ये कह रहा हूँ आपको नहीं लगता था कि इमरान फरद जितना खुला डुला प्लेयर था, बिकॉज आई नो यू एज वेल, आप भी बहुत खुला खेलते थे ग्राउंड में, तो उनको ऐसा लगता था थोड़ा कोचिंग ज्यादा ही, जहां पे बंदे को रोका जाता है कि यार ज्यादा खुला ना खेल, वो कई दफा आउट मैंने उनको ऐसे होते हुए देखा हुआ कि वो शॉट बहुत अच्छी खेलते थे तगड़ी, लेकिन वो रोकते हुए या बिलीव करते हुए, उनके दोनों ने शॉन टेट को बड़ा अच्छा खेला हुआ है, बड़ा आई डोंट वांट अ पर्सनल नहीं है, लेकिन एवरीवन नोस कि उस टाइम जब ये ओपनर्स बेचारे जाते थे, बेचारे कहूंगा इन ओपनर्स को, तो उनको एक ही चीज कही जाती थी, नवा गेंद ना सर्वाइव कर लें, दिस इज द प्रॉब्लम, पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम ही होती थी, ये स्ट्रोक प्लेयर थे, ये सुनते नहीं थे अगर नया गेंद सर्वाइव करने जा, क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर को जब तक शॉट नहीं खेलेंगे तो किसान रन करेंगे, नया गेंद ठग ठग लगा के वो उसको सर्वाइव करते थे, फिर वो नीचे वालों की बारी आई थी, वो बस यही चाहते थे कि किसी तरह नया गेंद पुराना हो जाए, उनको नहीं फिक्र होती, और मैंने अक्सर कप्तानों को फायदा भी देखा कि वो जब गेंद पुरानी होती थी फिर चौथे पांचवें नंबर पे आते थे, बल्कि उसने, मैं कैप्टन का एक नाम नहीं लूंगा, उसने कैप्टन था उसको कहा है कि यार तुम ये क्या क्रिकेट खेल रहे हो, कि ऑस्ट्रेलिया में आपका एक टेस्ट मैच 3 दिन जाता है, तू अपने लड़कों को ये क्यों नहीं कहता कि यार पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने से क्या होगा, आप वन डे क्रिकेट खेलते हैं आप एटलीस्ट 300-350 रन करते हैं उसमें, आप टेस्ट मैच में ठक्का लगा लगा 200 पे आउट होते हैं, अगली टीम आती है आप पे 400 करती है, आप उसी में 2 दिन में खत्म होता है।